ओके हमने कस्टमर वाला देख लिया, अब हम एज अ सेलर इस पे लॉग इन हो रहे कि सेलर अगर आप आपका इस पे शॉप है तो आप किस तरह से बेच सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा लॉग इन आईडी है और ये अपना आप पहले आपने अपना आपको रजिस्टर किया होगा ना इधर से, तो अभी आपका लॉग इन आईडी और आपका पासवर्ड है। ठीक है, हम लॉग इन हो रहे। ओके, ये आपका जो है ना डैशबोर्ड है एज अ सेलर, लेट्स सपोज आपका इस पे स्टोर है, तो ये आपको बता रहा है क्या कि फाइव प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट की हुई है सेलिंग के लिए, आपकी रेटिंग्स है, लोगों ने आपके जो है ना रिव्यूज है कि आपको कितने रेटिंग दी हुई है, टोटल ऑर्डर्स जो आपको रिसीव हो चुके हैं वो वन है, और आपके टोटल सेल्स जो आपने बेचे है वो इतने हैं। ठीक है, इधर आप देखिए फोर्थ अक्टूबर ये आपका सेल जो है ना आपका स्टेटिस्टिक बता रहा है, ये आपकी कैटेगरीज वाइज प्रोडक्ट काउंट है, टी शर्ट आपने पोस्ट की हुई है वन, मेन फैशन वन राइट, वोमेन फैशन वन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वन, डिवाइस आप टू डिवाइस आपने इधर पोस्ट की हुई है, ये आपके न्यू ऑर्डर से जो आपको आए हैं, आपने कैंसिल कितनी की है ऑर्डर्स को, डिलीवर्ड आपने कितनी की है, और अन डिलीवरी कितनी है जो आप डिलीवर करना चाह रहे हैं, और आपने डिलीवर कितनी की, और ये आपके सोल्ड अमाउंट है। ठीक है, तो इधर से ओके नीचे आ जाओ, आते हो ना इधर, तो ये आपके मनी विड्रॉल है, जब आपके अकाउंट जब आप सेल कर रहे थे आपके मनी एक अकाउंट में चले जाते हैं। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर के पास वो अकाउंट होगा, फिर आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा ये आपका जो है ना न्यू प्रोडक्ट्स अगर आप ऐड करना चाह रहे हो, ये शिपमेंट सेटिंग है आपके किस तरह करते हो, पेमेंट सेटिंग है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन है उसकी। ओके, ये आपके जो है ना प्रोडक्ट्स है, आपने 12 प्रोडक्ट्स इस पे पोस्ट की हुई है। ठीक है, ओके, इधर से भी आप जो है ना न्यू प्रोडक्ट, लेट्स सपोज हम न्यू प्रोडक्ट्स पे पोस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इधर से भी कर सकते हो, इधर आ जो है ना आप इधर जाके इधर से भी कर सकते हो। ये आपका डैशबोर्ड है आपके प्रोडक्ट्स है, ठीक है, अपलोड फाइल है, कूपन है, अगर आपने कूपन क्रिएट की हुई है, सेल्स होल सेल्स प्रोडक्ट है, आपके ऑर्डर्स कितने हैं, आपने कितने रिक्वेस्ट जो है ना कस्टमर ने आपको भेजे है रिफंड के लिए, आपका शॉप सेटिंग है, पेमेंट हिस्ट्री है, मनी विड्रॉल कितने की है, कमीशन हिस्ट्री, चूंकि कोई भी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर आप उस पर बेचना चाह रहे हो तो कुछ कमीशन आपसे चार्ज करेगा, तो वो कमीशन हिस्ट्री भी आपको बता रहा है, और कन्वर्सेशन भी आपको बता रहा है कि आपने लेट सपोज कन्वर्सेशन की तो उसके हिस्ट्री भी आपको वो बता रहा है। ओके, हम इधर आते हैं प्रोडक्ट्स पे, तो ये प्रोडक्ट्स की जो है ना डिटेल है, ये आप न्यू प्रोडक्ट्स अगर अपलोड करना चाहो इधर से कर सकते हो, बल्क प्रोडक्ट अपलोड, डिजिटल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिव्यू। ठीक है, हम इधर से न्यू प्रोडक्ट अपलोड करना चाह रहे थे, इधर से आप आगे ना ये पहले फिर आपको बता रहे कि आपके ऑल प्रोडक्ट्स ये है जो पहले आपने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। ठीक है, इधर आप इधर से न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, तो ये आप अपना प्रोडक्ट का नाम दोगे। ठीक है, इधर लेट सपोज कैटेगरी है और स्नैक्स है, फूड्स है, फ्रूट्स है, ठीक है, जो भी कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बैग्स है, बॉल्स है, ठीक है, कार्टेंस है, ब्यूटी के बेवरेजेस है, ग्रोसरी है, एटसेट्रा, हेल्थ एंड ब्यूटी के है, तो आप उधर से लेट्स सपोज हमने ये कैटेगरी सेलेक्ट की। ठीक है, फिर इधर से आप अपना ब्रांड जो है ना वो सेलेक्ट करोगे, लेट्स सपोज ज़ारा है, H&M है, दूसरा आई डोंट नो व्हाट इज द नेम वट एवर द यूनिट, आप किस तरह केजी में भेजोगे, पीसी में भेजोगे, जो भी है ना, मिनिमम क्वांटिटी जो है ना परचेज आप कितना, ये भी सेलेक्ट करोगे, बंदा अगर खरीदेगा तो कितना मिनिमम वो खरीद कर सकते, इधर टैग आप करोगे, रिफंड के ओके लेट गो चाहिए ऊपर, ठीक है, ओके, इधर रिफंड आपका आपके स्टोर पे रिफंड अलाउड है या नहीं है, आप इसको क्लोज भी कर सकते हो, अलाउ भी कर सकते हो। ठीक है, इधर आप अपना इमेज जो है ना प्रोडक्ट का इमेज आप हो कि गैलरी में जो आप पोस्ट करना चाहते हो इधर से चूज करोगे। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने ओके इधर आ गया ना, मैंने ये छप्पल में भेज रहा हूँ। ठीक है, ये इधर से सेलेक्ट किया,
इधर से एट किया, इधर आपका आ गया, ठीक है। दूसरा आपका जो है ना थंबनेल इमेज है, तो ये इधर से एक और सेलेक्ट किया, ये मैंने दोबारा सेलेक्ट किया और ये मैंने इधर एड किया, ठीक है, आ गया आपके प्रोडक्ट। ओके, नीचे अब आ जाओ ना। तो अगर आपका लेट सपोज आपका यूट्यूब चैनल है ना, आप उस पर अपने बनाए हैं कुछ वीडियोस बनाए हैं प्रोडक्ट के बारे में, वो भी इधर कर सकते हो, लिंक आप दे सकते हो, वीडियो का लिंक दे सकते हो, ठीक है। इधर नीचे आके आप जो है ना कलर्स आप इधर से चूज कर सकते हो। अगर इसको हम ऑन कर ले तो इधर से आप कलर, जो भी कलर है आपके प्रोडक्ट का, वो आप चूज करोगे, ठीक है। इधर से आप एट्रीब्यूट्स, साइज एंड फैब्रिक एटसेट्रा, वो भी कर सकते हो, ठीक है। इधर से पर यूनिट प्राइस क्या होगा आपका, लेट सपोज हम इधर है जो है ना क्या अच्छा लगे, पर यूनिट प्राइस हमारे लेट सपोज दैट इज 1000, राइट, हमने इधर वो किया। फिर आपके अगर आपका डिस्काउंट है वो आप देना चाह रहे हो, आपके पास आपकी जो है ना क्वांटिटी कितनी है आपके पास, उसके लिंक वगैरह एक्सटर्नल लिंक क्या है, इधर आपके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन है, उसकी मतलब जो है ना मैन्युफैक्चरर कौन है, उसकी और स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट की कौन, वो सारे डिटेल आप इधर दोगे। अगर कोई पीडीएफ फाइल है स्पेसिफिकेशन की, वो भी आप अपलोड कर सकते हो। सपोर्ट मैनुअल है, आप जानते हो ना कुछ प्रोडक्ट्स के मैनुअल होते हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शन बुकलेट होता है, वो आप इधर अपलोड कर सकते हो। मजीद डिस्क्रिप्शन आप कर सकते हो, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन है, वो सारा डिटेल आप इधर देखे, फिर जब आप इधर आओगे, ठीक है, इसको क्लोज कर लेते हैं इधर से। ओके, आप इधर आके, ठीक है, इधर से आप जो है ना अपलोड क्लिक करोगे और फिर ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना एज अ सेलर आपके एक दुकान का सारा, तो फिर आपको रेवेन्यू का भी अपना पता हो सकता है, ठीक है, इधर से। ओके, लेट हम डैशबोर्ड पे चले जाते हैं इधर। तो इधर से जो है ना आपका अपने रेवेन्यू, आपने कितने सेल की है, ये आपको पता चल जाता है, सारा इधर से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस पे शॉप खोल के आपको दुकान की जरूरत नहीं है, घर में जितनी भी जगह हो बस आप उधर से ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हो और इस पे बेच सकते हो, और आपके प्रोडक्ट किसी भी जगह हो उसके लिए डिस्प्ले या इलेक्ट्रिसिटी, जब आप उसमें बैठ रहे हो दुकान में वक्त जाया करो, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सिंपली इस पे शॉप कॉल के और चीज़ों को बेच सकते हो, आपको ऑर्डर आएंगे इधर आपको रिसीव होंगे, टोटल ऑर्डर्स आपको आएंगे। ओके, लेट सपोज हेयर हम देख लेते हैं ना, हमारे पास ऑर्डर कितने ये ऑर्डर्स हैं। लेट सपोज आप इधर से चेक करोगे कि आपके पास कितने ऑर्डर्स आए, ये देख, ये हमारे पास ऑर्डर है, ये ऑर्डर की कोड है, ठीक है। इधर जो है ना ये आपका अनपेड है, पेमेंट स्टेटस है ना, पेड, ये इसके लिए पेमेंट हो चुकी है, इसके अनपेड है। इधर आपकी ऑर्डर की जो है ना, इधर आप ऑर्डर डिटेल देख सकते हो, और इधर से इनवॉइस जो है ना डाउनलोड कर सकते हो। लेट सपोज हम इनवॉइस डाउनलोड कर लेते थे, sorry for that's not working, right? लेकिन आप इधर से invoice भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इधर जो है ना आप इनसे कंट्रोल कर सकते हो, लेट सपोज फिल्टर बाय पेमेंट, राइट, मतलब अगर अनपेड है उसको फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। फिल्टर बाय डिलीवरी स्टेटस, कन्फर्म पेंडिंग ऑन डिलीवरी डिलीवर्ड, राइट, और इधर जो है ना अपना ऑर्डर कोड वगैरह एक्सेट्रा उसके थ्रू आप उसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल।